लक्षद्वीप और मालदीव की जंग अब एक नए मुकाम पर पहुंच गई है। दरअसल मालदीव के कुछ नेताओं ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीयों पर निशाना साधा था, जिसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन इन टिप्पणियों का खामियाजा अब मालदीव को कई तरह से भुगतना पड़ रहा है। बता दें कि इन टिप्पणियों के कारण अब मालदीव में सियासी भूचाल आने की संभावना है, क्योंकि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के खिलाफ अब अल्पसंख्यक नेता अली आजम ने बीते सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव लाने का आह्वान किया है। साथ ही राष्ट्रपति मुइजू को सत्ता से बाहर करने में सांसदों से मदद करने की अपील भी की है। विपक्ष दल के नेता इस मौके का जमकर फायदा उठाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस अविश्वास प्रस्ताव के आह्वान ने राष्ट्रपति मुइजू की मुश्किलों को बढ़ाकर रख दिया है। अल्पसंख्यक नेता अली आजम ने विदेश नीति का हवाला देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा, हम देश की विदेश नीति की स्थिरता को बनाए रखने और किसी भी पड़ोसी देश को अलग थलग होने से रोकने के लिए समर्पित हैं। साथ ही डेमोक्रेटिक पार्टी से पूछा, क्या आप राष्ट्रपति मुइजू को सत्ता से हटाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने को तैयार हैं? मोहम्मद मुइजू ने मालदीव के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही भारत के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने सालों से चल रही परंपरा को तोड़कर अपनी पहली राजकीय यात्रा के लिए भारत की वजह चीन को चुना, जिससे ये साफ हो गया कि मुइजू भारत विरोधी विचारधारा रखते हैं। इतना ही नहीं बल्कि मुइजू की सरकार ने फैसला किया था कि मालदीव के क्षेत्रीय जल का हाइड्रोग्राफिक सर्वे का समझौता रिन्यू नहीं किया जाएगा। मालदीव के साथ भारत के संबंध वहाँ बनी मुइजू की नई सरकार के आने के बाद से लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीयों के खिलाफ टिप्पणी करने वाले नेता मरियम शिवना, मालशा शरीफ और महजूब माजिद ने विवाद के बाद से अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है।